सो थर्ड नाइट्रोजन पे अटैच रहता है पिरिमिडिन, नाइन्थ नाइट्रोजन पे एंड नाइन्थ पोजिशन की वहां पे अटैच रहेगा पिरिमिडिन। अब प्यूरिन और शुगर, शुगर और नाइट्रोजन बेस इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड रहता है उसको कहेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और एन राइबोसिडिक बॉन्ड, क्योंकि राइबो शुगर के बीच में ये बॉन्डिंग है इसलिए इसको कहेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और एन राइबोसिडिक बॉन्ड। और दूसरा फॉस्फेट और शुगर के बीच, ये शुगर है और ये फॉस्फेट है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो बॉन्डिंग है ये कौन सी बॉन्डिंग कहेगी, फॉस्फोडाइस्टर और सिंपली एस्टर बॉन्ड, ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर ने सिर्फ एस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पे शुगर और नाइट्रोजन के फॉस्फोरिक एसिड के बीच में है एस्टर बॉन्ड, पेंट नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में कौन सा है ग्लाइकोसिडिक और एन राइबोसिडिक बॉन्ड, इसको कह ये होगा न्यूक्लियोटाइड, ये एक सब यूनिट है। ऐसे ही नाइट्रोजनस बेस जितने रहेंगे उतने टाइप के न्यूक्लियोटाइड बनेंगे, क्योंकि हर न्यूक्लियोटाइड में शुगर और फॉस्फेट वो कॉमन है, चेंज क्या हो रहा है सिर्फ नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस टोटल कितने टाइप के बताओ, नाइट्रोजनस बेस टोटल कितने टाइप के हैं बताओ जल्दी, नाइट्रोजनस बेस कितने टाइप के होते हैं, आंसर करो, नाइट्रोजनस बेस कितने टाइप के थे कल बताए थे, दो बताए, और कौन से बाकी है, यूरासिल, थायमिन, साइटोसिन, यूरासिल, ये पिरिमिडिन है कि प्यूरिन है, ये तीनों जो नाम बताया अभी ये पिरिमिडिन है कि प्यूरिन है, दो प्यूरिन कौन से है, दो प्यूरिन कौन से है, एडेनाइन और एक ग्वानिन, एडेनाइन और ग्वानिन ये जो प्यूरिन हुए थायमिन साइटोसिन यूरासिल ये तीन पिरिमिडिन हुए, और बॉन्डिंग हमेशा किसके साथ होगी, एक प्यूरिन की बॉन्डिंग दूसरे पिरिमिडिन के साथ होगी, दो प्यूरिन के बीच में या दो पिरिमिडिन के बीच में बॉन्डिंग नहीं होगी। सो ये जो है ये हुए नाइट्रोजन बेस के बारे में। अब क्या बताया न्यूक्लियोटाइड में कॉमन क्या रहने वाला है, शुगर और ट्राइफॉस्फेट, तीन फॉस्फोरिक एसिड के मॉलिक्यूल, सो ये तीन फॉस्फोरिक एसिड के मॉलिक्यूल और शुगर सभी न्यूक्लियोटाइड में कॉमन रहेगा, वेदर इट इज आरएनए और डीएनए। ये कौन सी शुगर है, राइबो शुगर है, डीऑक्सीराइबो शुगर है, ये स्ट्रक्चर देख के बताओ ये कौन सी राइबो शुगर है या डीऑक्सीराइबो शुगर है, और ये बेस भी बताओ ये बेस कौन सा दिख रहा है, प्यूरिन है तुमको पता है, एडेनिन और ग्वानिन में डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या, ठीक है एडेनिन ग्वानिन जाने पहले ये बताओ ये शुगर कौन सी है, राइबो शुगर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप है, अगर ये डीऑक्सीराइबोज रहती तो यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन रहता, ऑक्सीजन नहीं रहता, दोनों ऊपर भी और नीचे भी, और ये प्यूरिन है तो कौन सा प्यूरिन है, ऊपर के साइड में जब अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट रहता है तो उस प्यूरिन को क्या कहेंगे, उस प्यूरिन को क्या कहेंगे, जहां पे ये कार्बन पे ऊपर के साइड में अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है तो उस प्यूरिन को क्या कहोगे, याद आ रहा है, प्यूरिन ये कौन सा है, एडेनिन, सो ये एडेनिन हुआ, ये कौन सा शुगर हो गई, राइबोज शुगर। जब कोई भी नाइट्रोजन बेस शुगर के साथ बॉन्ड बनाता है तब उसको उन दोनों को अलग से, मतलब ये जो न्यूक्लियोसाइड बना है उसको अलग से नाम दिए जाएंगे, जैसे ये एडेनाइन ये शुगर के साथ अटैच है, ठीक है, तब इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग जब होगी, जब ये न्यूक्लियोसाइड है तब उसको क्या कहेंगे, एडेनोसिन, ठीक है, सो ये दोनों के बीच में जब बॉन्डिंग होगी तब उसको क्या कहेंगे, एडेनोसिन, ठीक है, ये शुगर और नाइट्रोजन बेस, एडेनाइन शुगर इसलिए क्या कहेंगे, एडेनोसिन, ठीक है, अगर डीएनए रहे तब उसमें कहेंगे एडेनोसिन, ठीक है। अब इसके साथ में एक फॉस्फेट जब अटैच है, ये एक फॉस्फेट मॉलिक्यूलर और ये इसके चार ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, सो ये कौन सा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है, ये फिफ्थ कार्बन से अटैच है इसके साथ फॉस्फेट के साथ,
अब ये फिफ्थ कार्बन पे जो एक फॉस्फोरिक एसिड मिला है, ये फॉस्फोरिक एसिड को क्या कहेंगे? एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, शॉर्ट में इसको कहते हैं एएमपी। शॉर्ट में क्या कहेंगे? एएमपी, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। एक फॉस्फेट इसलिए मोनो, दो फॉस्फेट अटैच रहेंगे तो उसको क्या कहेंगे? एडीपी, एडेनोसिन डाई फॉस्फेट। जब दो फॉस्फेट मॉलिक्यूल अटैच है तो उसको क्या कहेंगे? एडेनोसिन डाई फॉस्फेट, शॉर्ट में एडीपी। और जब तीनों मॉलिक्यूल उसके साथ अटैच है तब उसको क्या कहेंगे? एटीपी, एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट। तब उसको क्या कहेंगे? एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट। सो बेस और शुगर अटैच है, एडेनोसिन, ग्वानोसिन, साइटोसिन, थाइमोसिन, ठीक है, यूरासिन, ये एक मॉलिक्यूल अटैच है तो एडेनाइन और एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, थाइमोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक, ऐसे नाम दिए जाए। डाय रहे तो डाय फॉस्फेट, एडेनोसिन और एडेनाइन डाय फॉस्फेट, एडीपी यानी एडेनोसिन और एडेनाइन ट्राय फॉस्फेट। तो तीन मॉलिक्यूल जब अटैच्ड है तभी उसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड। सिर्फ शुगर और नाइट्रोजनस बेस अटैच है तो न्यूक्लियोसाइड। तो जैसे एडीपी है, ठीक है, वैसे अभी जितने भी नाइट्रोजन बेस बताए वो सभी ऐसे किस तरीके से लिखेंगे? एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, यूटीपी, और कौन सा बाकी है? और कौन सा बाकी है? टीटीपी। थायमोसिन और थायमिडीन ट्राइफॉस्फेट, यूरासिन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये इतने कितने मैंने? पांच नाइट्रोजनस बेस। अब ये जो भी यहाँ पे नाम लिखे इससे कैसे पता चलेगा कि ये राइबोस शुगर है या डीऑक्सीराइबोस शुगर है? अगर ऐसे नाम लिखे तो ये कौन सी शुगर हो गई? राइबोस शुगर, ठीक है, ये कौन सी शुगर हो गई? राइबोस शुगर। अगर यहाँ पे डीऑक्सीराइबोस, अगर ये न्यूक्लियोटाइड डीएनए के है तब उसको क्या कहेंगे? डीऑक्सीराइबोस एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। डीऑक्सीराइबोस अगर शुगर रहेगी मतलब ये राइबोस शुगर में ऑक्सीजन नहीं है तो सामने क्या लिखेंगे? डीएटी, डी स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोस। सो यहाँ पे अगर सामने स्मॉल डी लिखते हैं तब ये सब किसका पार्ट है? डीएनए का, ठीक है। अगर यहाँ पे डी नहीं लिखते हैं तो ये किसका पार्ट होंगे? आरएनए का। अगर सामने डी नहीं लिखा है मतलब वो क्या रहेंगे? राइबोस शुगर यानी आरएनए के न्यूक्लियोटाइड। अगर सामने डी लिखते हैं ऐसे स्मॉल तब वो किसका पार्ट बनेगा? डीएनए का, ठीक। इतना समझ में आया? इसमें कुछ पूछना है किसी को? ये चल के विचार ऐसा है। तो यहां पे यूरासिल नहीं रहेगा, ओके, डीऑक्सीराइबोस जब बता रहे तो डीऑक्सीराइबोस में यूरासिल नहीं रहेगा। दूसरा, अगर यहाँ पे आरएनए लिख रहा है, अगर हम आरएनए की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक सामने डीएनए लिखेंगे और थायमिन की जगह क्या आएगा? यूरासिल, ठीक है। अगर आरएनए की बात कर रहे हैं तो सामने डीएनए लिखेंगे और थायमिन की जगह क्या लिखेंगे? यूरासिल। अगर डीएनए की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या ये चार ही बेस रहेंगे और सामने स्मॉल डी, ठीक है। अच्छा, अगर से ये हो गए डीएनए के लिए और आरएनए के लिए, आरएनए के लिए क्या होंगे? एटीपी, जीटीपी, सीटीपी एंड यूटीपी, ठीक है। सो यहाँ पे आरएनए में यही चार रहेंगे और सामने डीएनए लिखेंगे, अब डीएनए में यही चार रहेंगे और सामने डी लिखेंगे। सो ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये न्यूक्लियोटाइड किसके लिए है? डीएनए के लिए, और नीचे के जितने भी न्यूक्लियोटाइड रहेंगे वो किसके लिए रहेंगे? आरएनए, ओके। सो ये हुआ इसके बारे में। और ये शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं एएमपी, एडीपी एंड एटीपी, ये ऐसे शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं पेपर में और खुद थ्योरी, ओके। अब इसका दूसरा पार्ट,
ये जितने भी यहाँ पे मॉलिक्यूल का अटैचमेंट होता है, इसमें से ये बॉन्ड एस्टर बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है इस ये क्या कौन सा बॉन्ड है, हाई एनर्जी फॉस्फेट और ऑक्सीजन के बीच में ये जो बॉन्ड बताया है, ये हाई एनर्जी बॉन्ड रहता है, ये एस्टर बॉन्ड या ये हाई एनर्जी बॉन्ड, इसलिए उसको वेव के फॉर्म में बताया, वेव के फॉर्म में बताया मतलब क्या कि ये हाई एनर्जी बॉन्ड है, ये हाई एनर्जी बॉन्ड जो है ये जब ब्रेक होता है तो उसमें से बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है और एटीपी मॉलिक्यूल, सिर्फ एटीपी, एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट, सिर्फ एटीपी मॉलिक्यूल ही एज ए एनर्जी करेंसी यूज होता है अपनी बॉडी में, जो भी एनर्जी स्टोर होती है या इन शॉर्ट एनर्जी करेंसी जो रहती है उसको कहते हैं एटीपी, एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट। वो क्यों? क्योंकि ये तीन फॉस्फेट मॉलिक्यूल जब उसके साथ अटैच होते हैं तो यहाँ पे तीन हाई एनर्जी बॉन्ड उसके साथ अटैच है, ये बॉन्ड जब ब्रेक होती है तो उसमें से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। सो ये जो एनर्जी है ये अपने को दूसरे कामों में यूज कर सकते हैं, इसीलिए एटीपी को क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी। बाकी के जितने भी है उनको एनर्जी करेंसी नहीं कहेंगे। एनर्जी करेंसी क्यों कहेंगे एटीपी को? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जैसे सेल ऑर्गेनिज्म जो है इस कंपाउंड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करते हैं, इस कंपाउंड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करते हैं। सो ये हुआ बायोमोलिक्यूल के बारे में। इधर अपना पहला चैप्टर खत्म होता है, यहाँ पे पहले यूनिट का पहला चैप्टर, ठीक है, पहला नहीं टेक्निकल सेकंड यूनिट है, तो सेकंड यूनिट का ये जो पहला चैप्टर है ये यहाँ पे खत्म होता है, उसके बाद इसका सेल। नेक्स्ट चैप्टर सेल, सेल क्या है पता है किसी को? हाउ कैन वी डिफाइन सेल? सेल किसको कहेंगे पता है? इंडिपेंडेंटली कोई भी ऐसा एक स्मॉल पार्टिकल और स्मॉल सेल जो इंडिपेंडेंटली लिविंग रह सकता है एंड परफॉर्म ऑल द वाइटल फंक्शन, जो भी फंक्शन अपनी सेल को जिंदा रखने के लिए इंपॉर्टेंट है उन सभी को अपन क्या कहेंगे, वाइटल फंक्शन। सो ये जितने भी वाइटल फंक्शंस है ये जिस भी इंडिपेंडेंट यूनिट में कैरी आउट किए जाते हैं खुद को जिंदा रखने के लिए, उन सभी को अपन एज ए इंडिपेंडेंट यूनिट कंसिडर करते हैं, एंड मोर लाइकली दैट इंडिपेंडेंट यूनिट इज सेड टू बी आवर सेल। तो सेल जैसे जिन मैंने बताया स्मॉलेस्ट यूनिट, अब ये जो सेल रहते हैं ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म की शुरुआत सेल से बनी रहेगी, ठीक है। सो एक जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म जो है बहुत सारे किससे बनेगा, ऑर्गन से, ऑर्गन बहुत सारे किससे बनते हैं, टिश्यू से, और सब टिश्यू जो रहते हैं वो किससे बनते हैं, सेल से, और सेल किससे बनेगी, बायोमोलिक्यूल से, और बायोमोलिक्यूल मॉलिक्यूल और बायोमोलिक्यूल किससे बनेंगे, एलिमेंट से, और एलिमेंट्स कैसे बनते हैं, एटम से, और एटम से क्या, एटम कैसे बनते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल किससे बनेंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल किससे बनते हैं, अच्छा पहले नाम बताओ, सब एटॉमिक पार्टिकल के नाम क्या रहते हैं, कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल रहते हैं एक एटम के अंदर, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है। सो ये तीन बेसिक, ये तीन आपने को पता है, बट इसके तीन के अलावा और बहुत सारे अलग दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल नेचर में प्रेजेंट रहते हैं। सो ये जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल है वो एक एटम बनाएगा, ऐसे एक एलिमेंट जो है वो एक एटम से भी बनता है या दो एटम से भी बनता है, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है वो एलिमेंट है, बट ऑक्सीजन हम जब लिखते हैं तो सिर्फ O लिखते हैं या O3 लिखते हैं,
ऑक्सीजन जब लिखते हैं तब O लिखेंगे, O3 लिखेंगे या O2 लिखेंगे? बताओ। ओ, अगर सिर्फ O लिखते हैं तो वो उसको ऑक्सीजन कहेंगे क्या? नहीं। O2, अगर सिर्फ O लिखते हैं तो वो नेसेंट ऑक्सीजन हुआ। ऑक्सीजन कभी भी यूनिमोलिकुलर फॉर्म में नहीं रहता, जब भी रहेगा वो हमेशा अनस्टेबल रहता है। और जब भी हम सिंगल एटम बताते हैं ऑक्सीजन का, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बताएंगे और वो हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे, इसको कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, अब नेचर में हम जिस भी ऑक्सीजन की बात करते हैं वो ऑक्सीजन कौन से फॉर्म में रहेगा? O2, मींस यहाँ पे दो क्या है, एटम्स। सो ऑक्सीजन एक एलिमेंट हुआ, बट उसका नेचुरल फॉर्म वो कौन सा रहता है? O2। और O2 में कितने एटम रहेंगे? दो। सो द पॉइंट इज, और O3 ओजोन में प्रेजेंट रहता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम रहेंगे? तीन ओजोन में। द पॉइंट, ये बताने का पॉइंट क्या है, अपने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हैं वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हैं? एटम से। ठीक है, और सब एटमिक पार्टिकल ये जो तीन बताए ये किससे बनेंगे? सब एटमिक पार्टिकल स्प्लिट करते हैं तो वो किससे बनेंगे, पता है? नहीं पता तो नो लिखो। सब एटमिक पार्टिकल किस चीज से बने रहेंगे? एंड व्हाट इज एनर्जी? Energy is an entity which can neither be created nor be destroyed, which can only transform from one form for to another form. ठीक है? एक ऐसी entity जिसको create भी नहीं किया जा सकता, destroy भी नहीं किया जा सकता, जो एक form से दूसरे form में transfer होती रहती है। ठीक है? जैसे atom में जो भी energy है, वो एक दूसरे के साथ bond बनाने के बाद क्या बनाएगी? Biomolecule। ठीक है? या फिर element। बहुत सारे element एक दूसरे के साथ combine होने के बाद क्या बनाएंगे? Compound। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड ज्वाइन होने के बाद क्या बनेंगे? एक बायोमोलिक्यूल। और बहुत सारे बायोमोलिक्यूल मिला के एक सेल बनेगी, और एक सेल जो है टिश्यू ऑर्गन और एंड लास्टली ऑर्गेनिज्म बनाएगा। द पॉइंट क्या है, अपने जितने भी बॉडी या सेल है वो मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ एटम से बनी रहती है। ठीक है, और एटम क्या है? एनर्जी। सो वी आर विद इन आवर सेल आर एनर्जी फील्ड। ठीक है, हम खुद एक एनर्जी फील्ड है। ठीक है, बट एनर्जी एक्सप्रेस होने का तरीका क्या है? थ्रू केमिकल रिएक्शन, थ्रू फिजियोलॉजिकल रिएक्शन। अपने बॉडी में ये जो भी एनर्जी हो क्या कैसे ट्रांसफर हो रही है, वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन अपने बॉडी में होते हैं, और एक एनर्जी का फॉर्म दूसरे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। एनी द पॉइंट इज, ये जितने भी बायोमोलिक्यूल है ये क्या, इसने क्या बनाया? सेल। और एक सेल जो है बहुत सारे सेल्स मिला के क्या बनेगा? टिश्यूज। टिश्यूज मिला के क्या बनेगा? ऑर्गन्स। और ऑर्गन बहुत सारे ऑर्गन, ऑर्गन की सिस्टम जो बनती है तब उसको क्या कहेंगे अपन? ऑर्गेनिज्म। सो इसीलिए एक सेल से एक पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार, एक नहीं एक से ज्यादा सेल लगेंगे, बट एक सेल से शुरुआत होके और एक पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। इसीलिए सेल को क्या बोला है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दैट्स व्हाई सेल इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अपना ये सेशन खत्म हो रहा है 40 मिनट का। अब ये जितने भी सेल है इसको इतने सालों में बहुत बार डिफाइन किया गया। सबसे पहले वन ऑफ द फर्स्ट लिविंग सेल वाज ऑब्जर्व्ड बाय एंटोन वॉन लीवेनहॉफ। नाम सुना है? एंटोन वॉन लीवेनहॉफ ने, और एक एंटोन वॉन लीवेनहॉफ ने ये सबसे पहले लिविंग सेल ऑब्जर्व की, एंड वो भी अराउंड ईयर तो याद नहीं आ रहा, बट एनीवे ही वाज फर्स्ट वन टू ऑब्जर्व लिविंग सेल। इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल ऑब्जर्व की फ्रॉम 1665 नियरली, पता है? ये सबसे पहले ऑब्जर्व की फ्रॉम द प्लांट बार्क। बार्क पता है, ट्री के ऊपर जो ब्राउन कलर का स्पॉट रहता है, स्पॉट नहीं, ट्री के ऊपर जो ब्राउन कलर की लेयर रहती है उसको कहते हैं बार्क। सो ये जो बार्क रहता है, ये बार्क के सेल उन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किए, और इन्होंने उसके बाद बार्क के सेल जो रहती है डेड रहती है, उसके बाद उन्होंने लिविंग सेल ऑब्जर्व किए। दूसरा, ये जो उन्होंने सेल ऑब्जर्व किए, ये किसके ऊपर ऑब्जर्व किया? उन्होंने खुद का माइक्रोस्कोप बनाया। माइक्रोस्कोप डिडंट
came into existence until 1900. 1900 साल तक माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन नहीं हुआ था. उससे पहले उन्होंने ये ऑब्जर्व किया सेल को, और वो भी एक बहुत ही खुद प्रिमिटिव टाइप का माइक्रोस्कोप उन्होंने खुद बनाया था अपने घर पे. उसके ऊपर उन्होंने सबसे पहली सेल ऑब्जर्व की थी. ठीक है, अब ये जो है सेल के बारे में पहले से सबको पता नहीं था, जैसे एटम के बारे में सबको पहले से पता नहीं था. उन्होंने बहुत हर कोई साइंटिस्ट ने अपने टाइम में बहुत सारे अलग अलग थ्योरी पुट फोर्थ की. उसके बाद जो है आज के एडवांस टेक्निक के थ्रू अपने को पता चलता गया कि एटम क्या क्या रहता है. वैसे ही सेल भी पहले से सबको पता नहीं रहता था कि सेल यानी क्या रहती है. धीरे धीरे जैसे जैसे रिसर्च होती गई तब पता चलता गया कि सेल यानी क्या रहता है. ठीक है, अब ये जितने सेल का इन्वेंशन होना और उसके बाद सबसे बड़ी डिबेट ये थी कि एक ऑर्गेनिज्म में जो भी इंफॉर्मेशन है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में कैसे जाते हैं, या फिर ऑर्गेनिज्म सिंपली डिवाइड कैसे होते हैं. सो उसका बेसिक यूनिट रहता है सेल, और जब सेल डिवाइड होगी तो बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिज्म डिवाइड होगा, क्योंकि यूनिसेल्यूलर सेल में या यूनिसेल्यूलर जितने भी ऑर्गेनिज्म जिनकी पूरी बॉडी एक ही सेल से बनी हुई है, ये एक ही बॉडी जो एक सेल से बनी हुई है, जब वही सेल डिवाइड होंगी तो दो ऑर्गेनिज्म भी डिवाइड होंगे. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में कंपैरिजन करेंगे तो हमें पूरे ऑर्गन सिस्टम अलग बनना चाहिए, और उसके बाद एक ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली डिवाइड होगा. ठीक है, बट उसकी सभी की शुरुआत कहाँ से होती है, कोई भी तरह के नया ऑर्गेनिज्म बनना है, कोई भी तरह की नई सेल बनने की शुरुआत कहाँ से होगी, जब एक ओरिजिनल सेल जो पहले से प्रेजेंट है वो स्प्लिट होकर दो अलग अलग पार्टिकल बनाती है, तब सेल जो है और ऑर्गेनिज्म जो है उसका मल्टीप्लीकेशन और डिविजन कंप्लीट होगा. अब ये जितने भी एग्जांपल्स अब तक को बताए हैं या फिर अब तक पुराने टाइम में जो भी स्टडी हुआ है उसके ऊपर एक थ्योरी बनाई थी जिसको कहते हैं सेल थ्योरी. जिसको कहते हैं सेल थ्योरी, व्हिच वाज पुट जो गिवन दी थी श्लेडन एंड श्वान. ठीक है, श्लेडन एंड श्वान ये दो साइंटिस्ट हैं, ये दो साइंटिस्ट ने प्लांट और एनिमल सेल को ऑब्जर्व किया. श्लेडन ने प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया था और श्वान ने एनिमल सेल को ऑब्जर्व किया. सो इन दोनों साइंटिस्ट ने दो अलग अलग टिश्यू को ऑब्जर्व किया और उसका कंपैरेटिवली स्टडी किया. अब इनका स्टडी हुआ था लगभग अराउंड 1839. दे स्टडी इन 1839 में श्लेडन और श्वान ने ये जो भी स्टडी किया है, अच्छा यहाँ पे सी है, पुराने नाम है जिसमें लेटर से आता है. श्लेडन और श्वान इन दोनों ने स्टडी किया था इंडिपेंडेंटली प्लांट और एनिमल सेल के, और उसके बाद ये पुट फोर्थ किया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी क्यों बनती है, क्योंकि वो सभी बॉडी में एक बेसिक यूनिट रहता है जिसको कहते हैं अपन सेल, और जब सेल डिवाइड होगी तो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, और एक पूरा ऑर्गेनिज्म जो है या एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी किससे बनेगी, बहुत सारे छोटे सेल्स. So, ये बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स मिला के एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनेगी, ठीक है, और जिसके ऊपर से उसके ऑर्गेनिज्म का फंक्शन कैरी आउट होगा. ओके, ये हुआ एक बारे में. उसके बाद बहुत इसके अलावा भी और कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना वर्क किया था कि सेल कैसे डिवाइड होती है, टिश्यू कैसे बनते हैं, ओके, और एक से दूसरे सेल बनते हैं तब उसमें एक्चुअली क्या ट्रांसफर होता है. क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम में या जब ये सेल की डिस्कवरी हुई, ये डिस्कवरी के टाइम में ये नहीं पता था कि सेल में डीएनए वो पार्ट रहता है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है. ये बहुत बात पर, ठीक है, स्टार्टिंग में ये पता नहीं था, बहुत सालों बाद ये पर या आगे के इसके बाद में जो भी रिसर्च हुई उसके बाद पता चला कि सेल के अंदर, एक सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, और वो न्यूक्लियस में जो डीएनए रहता है वो डीएनए इनहेरिटेंस क्रिएट करता है क्या, वो इनहेरिट होता है. इनहेरिट होना यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होना. सो ये जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिशन होता है, इट इज ड्यू टू डीएनए, एंड डीएनए इज एम्बेडेड और डीएनए इज पैक्ड इन इनसाइड न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस हर सेल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. जब तक न्यूक्लियस लिविंग है तब तक वो सेल लिविंग रहेगी, न्यूक्लियस डेड हो जाती है तो वो सेल भी डेड हो जाएगी.
सो इन्होंने जब सब स्टार्टिंग में ये सेल थ्योरी दी थी तो उसका एग्जैक्ट स्टेटमेंट था कुछ इस तरह, ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट. सेल और हर ऑर्गेनिज्म सेल और उसके प्रोडक्ट से बनता है, और सेल या उसका प्रोडक्ट क्या रहेंगे, दूसरे सेल. सेल डिवाइड हो रही मतलब क्या, वो नई सेल बना रही है. तो नई हर नई सेल क्या है, वो प्रीवियस सेल का प्रोडक्ट है. सो ऑल बॉडीज ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट. सो बाय डिफॉल्ट दीज सेल्स आर सो दैट the cells are structural and functional units of life. Okay. Structure of structural unit of an organism or structural and functional unit of life or living organism. So ये हुआ cell theory which was given by Sheldon and Schwab. But इसके अलावा और कुछ scientists थे जिन्होंने अपना काम किया था cell और उसके existence के ऊपर. उनमें से एक थे Rudolf Virchow. One of the scientists was Rudolf Virchow. He worked in 1855 and modified the cell theory. और जिनका ये कहना था कि एक सेल जब डिवाइड होती है तभी नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे. कोई भी सेल इंडिपेंडेंट ऐसे मैजिकली कहीं से नहीं आती. जब एक सेल डिवाइड होगी तभी नई सेल बनेगी. तो नई सेल बनाने के लिए पहले से प्री एग्जिस्टिंग सेल चाहिए है. ये कहना था Rudolf Virchow का. And he was first to explain division of cell. He was first to explain cell division. पहले के साइंटिस्ट ने ये बताया था कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, बट उसके डिवीजन के बारे में कोई पोस्टुलेट नहीं बनाया था. He was the first one to explain what is meant by cell division or how cell divide. And dusra kaha and said that new cells are produced from pre-existing cells. New cells are produced from pre-existing cells. New cells are produced from pre-existing cells. And which job? ये जो स्टेटमेंट था ये लैटिन में था, और वो स्टेटमेंट था ओमनिस सेल्यूला ओमनिस. जो भी स्टेटमेंट ऊपर लिखा था ऑल सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, द स्टेटमेंट वाज इन ओरिजिनली गिवन इन लैटिन ओमनिस सेल्यूला लैटिस ओमनिस सेलुला ओमनिस, जिसका मतलब होता है एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से नेक्स्ट सेल बनेगी. सो ये कह रहा था रुडोल्फ विर्चौ और विर्चौ का. सॉरी ओमनिस सेलुला ए सेलुला ओमनिस ए सेलुला ओमनिस सेलुला ए सेलुला, ये उनका ओरिजिनल स्टेटमेंट था. ये हुआ. उसके बाद विर्चौ ने आगे जाके दो एक दूसरे साइंटिस्ट के साथ काम किया. ठीक है, आगे नहीं, इससे पहले ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया था 1855 में. उससे पहले 1846, इन द ईयर 1846 वाज एक्चुअल कंसेप्ट बेस्ड, ये जो रिसर्च थी इट वाज एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ नागेलिन. It was an actual concept. It was originally concept of Nagili, जिसके ऊपर study करने के बाद
बिचो ने ये स्टेटमेंट दिया था. ठीक है, सो नागेली'स वर्क वॉज डन इन 1846. ठीक है, एंड उसके बाद बोथ ऑफ द साइंटिस्ट नागेली एंड बिचो एस्टैब्लिश द कंसेप्ट ऑफ सेल डिवीजन. Established the concept of cell division as a phenomenon, central phenomenon for continuity of life. इन दोनों ने मिलकर प्रपोज किया था कि सेल डिवीजन जो रहता है वो एक्चुअल फिनोमेनन रहता है जो लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके अलावा कोई भी लाइफ कंटिन्यू नहीं हो सकती. सो ये है सेल के बारे में. अब इसके अलावा जितने भी रिसर्च हुए उसके बेसिस पे मॉडर्न टाइम या आज के टाइम में सेल थ्योरी के तीन फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, या उसको कहेंगे मॉडर्न सेल थ्योरी. ठीक है, मॉडर्न सेल थ्योरी सबसे पहला पोस्टुलेट उसका क्या रहेगा, सबसे पहला फंडामेंटल क्या रहेगा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट. All living organisms are made up of cell and their product. Second statement is each organism made up of small mass of protoplast. Cell without cell wall is called as protoplasm or protoplast. So ये जितने भी protoplast रहते हैं इससे एक हर cell बनती है और इसके अंदर क्या रहेगा, nucleus present रहेगा जिसमें DNA present रहता है and that is the inheritance, that is the mode of inheritance जो एक generation से next generation में transmit होता है. And third, new cells arise from pre-existing cell. Third is new cell arise from pre-existing cell. So, ये हुए fundamentals of cell theory और modern fundamentals of cell theory जो आज consider किए जाते हैं. ठीक है? So, इसका photo निकाल लेते हैं, निकाल लो पहले, ये बताना है. अच्छा, पहले fundamentals लिख के दे देते हैं. All living organisms are composed of cell and their product. Second, हर cell किससे बनेगी? Each cell is made up of protoplast or protoplasm. Cell wall remove करने के बाद जो भी चीजें बनेंगी, ठीक है? उन सबको क्या कहेंगे, प्रोटोप्लास्ट. सो ये प्रोटोप्लास्ट से सभी सेल बनेगी. ठीक है, ये हो गया. एंड इसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, न्यूक्लियस कंटेनिंग न्यूक्लियस. ओके, तीसरा न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम pre-existing cells. New cells arise from pre-existing cells. ये हो गया इसके बारे में, सेल थ्योरी के बारे में. उसके लिए हुआ फंडामेंटल्स ऑफ सेल थ्योरी, याद रखना फंडामेंटल्स ऑफ सेल थ्योरी. अब बात करते हैं सेल का शेप एंड साइज. बेसिकली सेल जो रहते हैं वो दो टाइप के रहते हैं, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट. प्रोकैरियोट सेल वो रहेंगे जहां पे न्यूक्लियस अब्सेंट रहेगा, यूकैरियोटिक सेल वो रहते हैं जहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है. अब यहां पे सबसे पहले सेल का जनरल साइज जो रहता है, इट रेंजेस फ्रॉम 0.2 माइक्रोन टू 20 माइक्रोन. ठीक है, बट यूकैरियोटिक सेल जनरली इससे ज्यादा बड़े रहते हैं. इन लिविंग, इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म द स्मॉलेस्ट सेल, द स्मॉलेस्ट सेल इज माइक्रोप्लाज्मा.
bacteria kingdom में आता है. So microplasma is the smallest cell which is generally 0.1 micron. और 8 micron यानी क्या 10 to the power minus 6 meter. ठीक है, 1 micron is equal to 10 to the power minus 6 meter. ये इतना स्मॉल फ्रैगमेंट, एक मीटर का ये मीटर्स का इतना स्मॉल फ्रैगमेंट जो रहता है उसको अपन क्या कहेंगे, माइक्रोन. ठीक है, और माइक्रोप्लाज्मा का साइज कितना रहता है, 0.01 माइक्रोन. न्यू यानी न्यू, ये साइन है न्यू यानी माइक्रोन. अब ये जो है स्मॉलेस्ट साइज है, और यहाँ पे स्पीसीज का भी नाम क्या ले सकते हैं. माइक्रोप्लाज्मा वैसे भी सबसे स्मॉलेस्ट है, और उसमें भी एक स्मॉलेस्ट है माइक्रोप्लाज्मा गैलिसेप्टिकम, जिसका साइज रहता है 0.1 माइक्रोन. माइक्रोप्लाज्मा का साइज जनरली 0.1 टू 0.5 माइक्रोन के बीच में वैरी करता है. ठीक है, और लार्जेस्ट सेल जो है, ठीक है, इज एन ऑस्ट्रिच एग. लार्जेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच एग, or an egg of an ostrich which is 6 inches in diameter. ठीक है, ostrich पता है bird, so ये bird का जो अंडा रहता है, ये egg रहता है 6 inch diameter में, 6 inch रहेगा, अगर उसका shell remove करते हैं तो वो सिर्फ 3 inch का रहता है. So इतने largest cell is an egg of ostrich and smallest cell is a microplasma which belongs to kingdom bacteria. और दूसरा शेप, सेल का जो भी शेप रहता है, शेप ऑफ सेल डिपेंड्स अपॉन देयर फंक्शन एंड लोकेशन. वो बॉडी के कौन से पार्ट में लोकेटेड है और उसका फंक्शन क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा सेल का शेप कैसा रहता है. अगर वहां पे एब्जॉर्प्शन करने की अभी क्लियर है वीडियो, अभी वीडियो क्लियर है क्या, सेल का साइज और शेप क्या रहता है, और दूसरा सेल के टाइप. सेल के बेसिकली दो टाइप रहेंगे, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. ठीक है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, इनमें मेन डिफरेंस क्या रहता है साइज का. सबसे पहला प्रोकैरियोटिक सेल रेंजेस फ्रॉम 0.1 to 10 micron or micrometer. Yeah? And eukaryotic cells ranges from 10 to 200 micron or micrometer. 200 micron or XL. ऑस्ट्रिच बताया ना, बर्ड में जो अंडा रहता है वो पूरी की पूरी एक एक सेल रहेगी. ठीक है, दैट्स व्हाई उसको सबसे बड़ी सेल बताया, लार्जेस्ट सेल बोला है, लार्जेस्ट टिश्यू ने, क्योंकि वो जनरली एक सेल से डेवलप होता है, एक ही सेल से डेवलप होता है, इसलिए उसको एक सेल, एंड वो अंडा है इसलिए इसको एक सेल बोला. ओके, दूसरा डिफरेंस प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, एक हुआ साइज का, दूसरा दे लैक न्यूक्लियस, और यहां पे यूकैरियोट में न्यूक्लियस प्रेजेंट है. सेकंड, दे कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स. कौन, यूकैरियोट. ठीक है, दे पजेस मेम्ब्रेन बाउंड, जिसके ऊपर मेम्ब्रेन रहेंगी ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स को, इसलिए उसको बोला है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल. वो किसमें प्रेजेंट रहेंगे, यूकैरियोट में, प्रोकैरियोट में नहीं. ठीक है, अब ये जो है वो बेसिक क्वेश्चन, सॉरी बेसिक डिफरेंस रहता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में. दूसरा, प्रोकैरियोटिक सेल जो रहते हैं उनमें जो डिवीजन रहता है, ठीक है, न्यूक्लियस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या सभी ने क्वेश्चन पूछा है, सवाल ये रहता है. सो प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं रहती, मेम्ब्रेन तो रहेगी नहीं क्योंकि न्यूक्लियस नहीं, यहाँ पे वो प्रेजेंट रहती है. दूसरा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, ऐसे सेल ऑर्गेनेल जिनके ऊपर मेम्ब्रेन रहती है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस, ये जितने भी ऑर्गेनेल्स है ये वो सभी ऑर्गेनेल्स है
जिसके ऊपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है, और ये सारे एब्सेंट रहेंगे प्रोकैरियोट में और प्रेजेंट रहते हैं यूकैरियोट में, ठीक है, वो यूकैरियोट में प्रेजेंट रहेंगे, प्रोकैरियोट में एब्सेंट रहते हैं। दूसरा, यहाँ पे डीएनए जो रहता है, डीएनए लैक्स हिस्टो, ठीक है, प्रोकैरियोट में डीएनए के साथ हिस्टोन नहीं एसोसिएटेड रहता, यूकैरियोट में डीएनए इज एसोसिएटेड विद हिस्टोन, ठीक है, एंड यूकैरियोट डीएनए इज एसोसिएटेड विद हिस्टोन। दूसरा, ये जितने भी प्रोकैरियोट है इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल किससे बनी रहेगी, पेप्टिडो एंड यूकैरियोट में इट वैरीज डिपेंडिंग ऑन ऑर्गेनिज्म। अगर प्लांट सेल है तो सेल्यूलोज की बनेगी, एनिमल सेल है तो एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट रहती है, एंड इफ देयर इज अ फंगल सेल वो काइटिन से बनेगी, बट प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया में सेल जो रहते, सेल वॉल जो रहते वो किससे बनती है, पेप्टिडोग्लाइकन से। ये डिफरेंस हुआ, और बाकी डिफरेंस रहता है नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट रहते हैं वो कॉमन है दोनों में, प्रोकैरियोट में भी राइबोसोम प्रेजेंट रहता है, यूकैरियोट में भी राइबोसोम प्रेजेंट रहता है, बट उनके टाइप अलग अलग रहते हैं। प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम रहता है उसमें प्रोटीन और आरएनए का कॉम्बिनेशन या मॉलिक्यूलर वेट अलग रहेगा, यूकैरियोट में प्रोटीन और प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट और आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट अलग रहेगा, उसका कॉम्बिनेशन भी अलग रहेगा, जिसकी वजह से राइबोसोम बनते हैं। तो राइबोसोम दोनों में अलग अलग टाइप के रहते हैं, बट ये एक सेल ऑर्गेनेल है जो इसमें भी प्रेजेंट रहेगा और इसमें भी प्रेजेंट रहेगा। और दूसरा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर लगभग सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेम रहता है, ठीक है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो प्रोटीन और लिपिड से बनता है, ये सभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रोकैरियोट में भी रहेगी और यूकैरियोट में भी रहेगी, ठीक है। बाकी इन दोनों सेल में ये कुछ बेसिक डिफरेंस है जो एग्जिस्ट करते हैं, ओके। सो ये हुआ इसके बारे में, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट किसको कहेंगे, उनमें क्या डिफरेंस रहता है, सेल क्या रहेगी, सेल थ्योरी क्या रहेगी, ठीक है। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है, क्या विचारना चाहिए जहाँ मुझे।